स्वागत है आपका इनकम पर। मैं आपके साथ रूपाली। दिल्ली शराब कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी 2 फरवरी को भी ईडी का 5वां समन इग्नोर करेंगे, उनके सामने नहीं पेश होंगे। आम आदमी पार्टी ने लिखित बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी भी बताया और कहा कि हम कानूनी रूप से सही समन की तमील करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी 4 समन को वो इग्नोर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के द्वारा भेजे गए 4 समन को इग्नोर किया चुका है, 5वें समन में भी वो पेश नहीं होंगे। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को एक नया और 5वां समन जारी किया था। इससे पहले पिछले 4 महीने में वे संदीय एजेंसी द्वारा 4 समन को टाल चुके। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बारे में भी चुप्पी साधी हुई है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बार भी समन टाले जाने की संभावना जताई जा रही है। मतलब ईडी के आगे उनका कोई प्लान नहीं है अरविंद केजरीवाल का वहां पर पेश होने का। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये उनको गिरफ्तारी करने का एक चाल है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी तथा 18 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी उनके समन को टाल चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसकी टीम जो है धन शोधन मामले से जुड़ी अबकारी नीति से सिलसिले में केजरीवाल की जारी समन का अध्ययन कर रही है। इस बीच चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कथित तौर पर धांधली के विरोध में अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शुक्रवार को भाजपा यानी बीजेपी प्रदेशालय के बाहर प्रदर्शन हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से वो जो भी अभी मेयर चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि उसमें धांधली की गई है चुनावों में, इसके लिए वो प्रदर्शन जो है वो करने वाले हैं। बहरहाल इस पर आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपना 5वां समन भी ईडी के द्वारा भेजा हुआ उसे टाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि यह गैर कानूनी है, जो ईडी ये समन भेज रहे गैर कानूनी है, कानूनी तौर पर वो जरूर पेश होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे समन को भेजे जाने का मकसद यही है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को समन पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार का यह पूरा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए ही उनको बार बार समन भेजा जा रहा है और जिस दौरान वो पेश हो जाएंगे ईडी के आगे और उनका जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसी बात पर वो कहते नजर आम आदमी पार्टी के जो समन वो तभी उसी में पेश होंगे जब कानूनी तौर पर समन भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें पिछले 4 समन को इग्नोर करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के इन नोटिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अवैध करार दिया था। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों का बार बार इसका खंडन करती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि ये सारे दावे जो हैं ये झूठे करार दिए हैं उनको उन्होंने कहा है। बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया था। हालांकि बता दें कि इस नीति को वापस भी ले लिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कराने का सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम PAMLA के तहत मामला दर्ज भी किया था। लगातार ईडी इसी मामले की पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। 4 समन को इग्नोर कर चुके हैं और आज के 5वें समन को भी इग्नोर करने वाले हैं। एक और बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का यह कहना है कि जितने भी समन भेजे जा रहे हैं गैर कानूनी है, वो आधारिक तौर पर जो समन भेजा जाएगा उसका वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके पर जाके जो है वो पेश होंगे। साथ ही ये भी बड़ा आरोप ईडी पर लगाया जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद जो है इस वजह से ईडी उनको समन भेज रहा है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।